तेजला बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज विवाद ईडी खोलताड़ परे विधायक प्रफुल्ल सामल और पुओ प्रयास कांति गिरफ दावी करी बरपदा विकास मंच भुवनेश्वर से सांबादिक सम्मेलन कर दावी करी मंच सामल परिवार 34 वर्ष धरी कॉलेज 200 कोटी टंका मूल्य संपत्ति लूट करथिबा अभियोग करी कोटी कोटी टंका हड़प करी दामी गाड़ी किनी भुवनेश्वर कंटाबाड़ किणा जाइथिबा जमी कॉलेज पूर्वरु अभियोग हेउथिले मध्य राज्य सरकार चुप बसिथिले बरपदा विकास मंच अभियोग करिछि प्रफुल्लंक विधायक पद रद्द कराजिबा सहित कॉलेज को तुरंत सरकार निज अधीन को नेबा पई दाबी करिछि मंच एने विधायक प्रफुल्ल सामल को प्रतिक्रिया मिलि पारि नाही। खोद प्रफुल्ल बाबू एवं तांको पुओ एको लोड करछन्ति आ अन्य केही नय जे भी तांको सहयोगी सेमानकर जो आमर जो प्रिंसिपल मोहन पंडा किलो आमर दाबी होछि से कमिटी को डिजल्व करा जाऊ एवं नुआ कमिटी फॉर्मेशन करा जाऊ सरकार नले इंजीनियरिंग स्कूल को दायित्व निजे बहन करंतु जेपर्यंत इलेक्शन पाई जदि दे नै न पारंती ताले जिलापाल को दायित्व दिया जाऊ सी जेमती पूर्वरु चलुथला जिलापाल किछि दिन नै दिले सेई भली श्रृंखलार सहित इंजीनियरिंग स्कूल रो पढ़ापढ़ी हो एवं चालू। ये लुट 1990 मसीह प्रफुल्ल सामल जब भद्रक विधायक हेले श्रम एवं निजुक्ति मंत्री हेले सेबेठर से लुट कर चालचंदी 100 एकर सरकारी जमी और कोठाबाड़ी उपरे जो इंजीनियरिंग कॉलेज चलती से निजर बोली कहीकि लोक भुआ बुले कि 34 वर्ष काल प्रफुल्ल सामल पर लुट करते प्रफुल्ल सामल आसिक राज्य सरकार नवीन पटनायक को कहे कि मो पर कहीं संपृक्त ना पुओ बहुत स्त्री सी निजे 600 कोटी टाइम लुट कर नवीन पटनायक निज भावमूर्ति रक्षा करने प्रफुल्ल बाबू को तुरंत गिरफ्त कर।